How are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you a better learning. In today's video, we are going to discuss how to solve the pair of linear equations by using elimination method. So, elimination method क्या होता है? यार, elimination नाम से आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ eliminate करना है. अब हम यहाँ पे eliminate करेंगे क्या? हमें तो equations में से eliminate करना है. तो हमारी equation काहे में है? Two variables में है. X और Y. तो हम यहाँ एलिमिनेट किसको करेंगे? वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. या तो हम X को हटा देंगे या फिर हम Y को हटा देंगे. तो अब हम ये X और Y को जो हटाने की बात कर रहे हैं, ये हटाएंगे कैसे? ठीक है, तो हम अगर हमें X को हटाना होगा ना, तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन के जो X के कोफिशियंट से उनको इक्वल बना देंगे. वो कैसे बनाएंगे वो अभी हम सीखेंगे. या फिर अगर हमें Y को हटाना है तो हम क्या करेंगे कि जो Y के कोफिशियंट से उनको इक्वल बना देंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे. वो एज क्वेश्चन इक्वेशंस को देखने के बाद हमें पता चलेगा. तो जैसा कि अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोफिशियंट्स को इक्वल बना रहे हैं. तो इसीलिए एलिमिनेशन मैथड को हम एको नाम से जानते हैं, इक्वेटिंग कोफिशियंट मैथड, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, कोफिशियंट इक्वल कर रहे हैं. तो अगर इक्वेटिंग कोफिशियंट मैथड लिखा है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मतलब एलिमिनेशन मैथड ही है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. दो इक्वेशन से हमें इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट और ये सेकंड, हमने इनको नाम दे दिया. अब मैं यहाँ पे हटा रही हूँ किसको? x को. मतलब मैं x के कोफिशियंट्स जो हैं वो इक्वल बना रही हूँ दोनों इक्वेशन में. जो x का कोफिशियंट है इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए कितना है, 8. नाउ x का कोफिशियंट इन इक्वेशन सेकंड कितना है, 1. अब हमें दोनों को इक्वल बनाना है. तो अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. तो क्या हो गया, x के कोफिशियंट क्या बन गए, इक्वल बन गए. और अगर आपको यहाँ पे y के कोफिशियंट इक्वल बनाना होता तो यहाँ y का कोफिशियंट क्या है, 5. यहाँ y का कोफिशियंट क्या है, 1. तो अगर 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बनेगा ना. तो हमें सिर्फ इसमें नहीं करना है, हमें पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है. तो ऊपर भी y का कोफिशियंट 5 हो जाएगा और नीचे भी y का कोफिशियंट 5 हो जाएगा. तो क्या हो गया, इक्वेट हो गए ना, मतलब दोनों इक्वेशंस के y का कोफिशियंट इक्वल बन गया. अब हम आके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं हटा रही हूँ x को. तो x को हम कैसे हटा रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में 8 का मल्टीप्लाई करके. ठीक है, हमें क्या करना है, x का कोफिशियंट इक्वल करना है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 8. ठीक है, 8 से अपन ने इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 टाइम्स x प्लस y इज इक्वल 8 इंटू 4. दोनों तरफ करेंगे ना, क्योंकि हम बात इक्वेशन की कर रहे हैं. तो इक्वेशन में LHS भी होता है, RHS भी होता है. तो LHS में भी मल्टीप्लाई किया और RHS में भी मल्टीप्लाई किया. नाउ 8x प्लस 8y इज इक्वल 32. तो हम इसको एक नया इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को. तो मैं यहां पे कर रही हूं सब्ट्रैक्ट. तो हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. ठीक है, थर्ड में से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो थर्ड इक्वेशन है 8x प्लस 8y इज इक्वल 32. फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल 11. ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट वाली इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा. सो प्लस 8x है तो माइनस 8x, प्लस 5y है तो माइनस 5y, एंड प्लस 11x है तो माइनस 11. सॉरी 11x नहीं 11. तो
प्लस एट एक्स माइनस एट एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, हट गया ना x, हमने यही बोला था हम x को हटाने वाले हैं, तो देखो x हट गया, काय में बचेगा पूरा इक्वेशन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y, तो 8y माइनस 5y कितना हो जाएगा 3y, नाउ 32 माइनस 11 21, सो y इज इक्वल कितना हो गया 7, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 7, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकेंड, जहां आप रखना चाहें, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में मैं रख रही हूं क्योंकि इक्वेशन सेकेंड छोटी है, तो जल्दी से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, सो x प्लस y कितना है 7 इज इक्वल 4, तो x इज इक्वल 4 माइनस 7, देन x इज इक्वल कितना हो गया माइनस 3, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया x इज इक्वल माइनस 3 एंड y इज इक्वल 7, तो ये जो इक्वेशन से हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन ये रहा, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फिर से दो इक्वेशन दी हुई है, 3x माइनस 5y इक्वल 4, 9x माइनस 2y इक्वल 7, हमें एलिमिनेशन मेथड से इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कोफिशियंट, ठीक है, कि किन का कोफिशियंट इक्वल बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, तो x के कोफिशियंट देखिए, ऊपर वाला 3 है और नीचे वाली इक्वेशन जो है उसमें x का कोफिशियंट 9 है, तो क्या इस 3 को 9 बना सकते हैं अपन, अगर इस इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो ऊपर भी 9 और नीचे भी 9, ठीक है, एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, अगर आप यहाँ पे बोलो कि नहीं हमें तो y का कोफिशियंट इक्वल बनाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y का कोफिशियंट क्या है 2, यहाँ पे क्या है 5, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 3 और 9 का तो कॉमन फैक्टर है 3, इसलिए अपन ने सिर्फ इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 5 का, तो दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा हम क्या करें एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के कोफिशिएंट इक्वल बन जाएंगे, चलिए करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, सो 3 टाइम्स 3x माइनस 5y इज इक्वल 3 टाइम्स 4, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल 12, तो एक नई इक्वेशन बन गई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है, तो अब हम क्या कर लें थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कर लें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को हटा रहे हैं, है ना, मतलब माइनस कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट में से नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट वही तो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमने थर्ड इक्वेशन बनाई है वो कहां से आई है फर्स्ट इक्वेशन, पिछले वाले क्वेश्चन में कहां से आई थी सेकेंड इक्वेशन में से, इसलिए अपन ने फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस किया था वहां पे, तो अब यहां देखिए क्या हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल 12 और 9x माइनस 2y इज इक्वल 7, ये रही इक्वेशन थर्ड और ये रही इक्वेशन सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस 15y प्लस 2y कितना बचेगा माइनस 13
y plus 12 minus 7, तो plus 5, so y is equal minus 5 by 13, ठीक है, तो ये क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई। तो अब हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, सो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, 9x माइनस 2, y की जगह क्या पुट करना है, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल 7, ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब हम क्या कर लें, यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लिया हमने, 13 आया, तो 9 इंटू 13 117x प्लस 10 इज इक्वल 7, नाउ 117x प्लस 10 इज इक्वल 91, 13 इंटू 7 91, सो 117x इज इक्वल 91 माइनस 10, सो x इज इक्वल 81 डिवाइडेड बाय 117, सो x इज इक्वल 9 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, हमने 9 से इसको कट कर दिया, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल 9 बाय 13 एंड y इज इक्वल माइनस 5 बाय 13। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 89x प्लस 91y इज इक्वल 449, 91x प्लस 89y इज इक्वल 451। अब यार यहाँ पे जो x और y के कोफिशियंट्स है वो इतने बड़े बड़े हैं, तो क्या हम इनके कोफिशियंट्स को इक्वेट करने के लिए, अगर हम अभी कोफिशियंट इक्वेट करना चाहें x का कोफिशियंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में 91 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकेंड में 89 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो हम इतना मल्टीप्लाई नहीं हम करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इन इक्वेशंस को छोटा बनाएंगे, ठीक है, तो हम छोटा कैसे बनाएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें, अपन एड कर लें, चलिए करते हैं, सो 89x प्लस 91y इज इक्वल 449, 91x प्लस 89y इज इक्वल 451, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे मिलेगा 180x प्लस 180y इज इक्वल 900, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y इज इक्वल 5, तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई, बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास बन गई। अभी हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड किया, अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में से सेकेंड को हम माइनस कर रहे हैं, तो 89x प्लस 91y इज इक्वल 449 एंड 91x प्लस 89y इज इक्वल 451। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, सो माइनस माइनस माइनस, यहां पे बचेगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल माइनस 2, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, चाहिए तो माइनस 2 भी आप कॉमन ले सकते हैं, बट मैं 2 कॉमन ले रही हूं, तो यहां पे क्या बचा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल माइनस 1, तो ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन बनी है,
कितनी छोटी इक्वेशन है। पहले हमारी इक्वेशन कितनी बड़ी थी, अगर हम उसको सॉल्व करते तो हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता और इतना कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, और जब इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है गलती होने के चांसेस हमारे होते हैं। तो हमने क्या कर लिया, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड किया और दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया और हमने दो नई इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमें कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहां देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -1 है, तो ऑलरेडी इक्वल एंड अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या हो गया, हो जाएगा जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो -x और +x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी हमारे पास इक्वल और अपोजिट आया है। अब अगर अपोजिट नहीं होता तो हम सबट्रैक्ट कर देते, जैसे अगर यहाँ पे +x होता और यहाँ पे भी +x होता तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, अब वो तो कैंसिल आउट होने से रहे। तो अपन क्या करते, एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो 1x माइनस का हो जाता तो कैंसिल आउट हो जाता। बट अभी तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी अपोजिट साइन दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर लेते हैं। सो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। सो थर्ड इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल 5 एंड फोर्थ इक्वेशन -x प्लस वाई इज इक्वल -1, है ना। इस बार हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, कैंसिल आउट, वाई प्लस वाई 2y 5 -1 4, सो वाई इज इक्वल कितना आ गया 2, so value of y is equal to, now put the value of y either in equation third or in जो भी हमारा fourth है या first second में रखना चाहो तो भी, पर इतना बड़े में हम क्यों रखें, हमारे पास छोटी equations है ना। तो put value of y in equation, चलिए third में रख या fourth में रख देते हैं, ठीक है, in equation fourth। तो इक्वेशन 4 इज -x, सो -x प्लस y, नाउ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 2, 2 इज इक्वल -1, नाउ -x इज इक्वल -1 -2, सो -x इज इक्वल -3, देन x इज इक्वल 3, ठीक है। तो ये हमारा रहा x की वैल्यू, तो x इज इक्वल 3 एंड y इज इक्वल 2। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। तो होप सो आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोस।